बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी मेरे बचपन की यादों में से एक याद है। ये बचपन में हमारी माँ ने हमको पराठों के साथ बहुत बना के खिलाई है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ये सोचा कि आज गर्मियों की रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं आज आपको खशखश की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ख़ास तौर पे किसी भी किस्म की खिचड़ी के साथ और पराठों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इसकी एक तस्वीर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपके नाम के साथ वहाँ इसे पोस्ट कर दूँगी। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। खशखश की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें खशखश चाहिए। 3 टेबल स्पून खशखश को हमने अच्छे तरीके से कई पानियों से निथार लिया। उसके बाद हमने 10 बादाम के साथ इसका पेस्ट बना लिया। कभी कभार चॉपर मशीन के अंदर खशखश अकेले चलती नहीं है क्योंकि बहुत महीन दाना होता है, तो उसके अंदर किसी सॉलिड चीज़ को डाल दें तो वो अच्छे तरीके से पिस जाती है, इसलिए मैंने इसके अंदर बादाम डाले। अगर आपके यूं ही भी पिस जाती है तो बादाम ऑप्शनल है, आप बेशक मत डालिएगा। 2 मीडियम साइज़ की या 1 लार्ज साइज़ की प्याज है जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। मसालों में हमें चाहिए 1/2 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, इसकी जगह आप कुटी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1/2 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, तेज़ वाली ले लें या माइल्ड वाली ले लें आपके ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसके अंदर, हम फाइन चॉप करके डालेंगे। 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है मैंने, इसे गर्म करके इसमें हम प्याज को सॉटे करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी हम इसके अंदर तमाम मसाले डालेंगे, पिसी हुई मिर्चें, लहसुन का पेस्ट, नमक, जीरा, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और मसाले को 1 मिनट हम भूनेंगे। जैसे ही मसाला भुनेगा हम इसके अंदर ये खशखश का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही जो थोड़ा बहुत इसके अंदर हमने जार धो के पानी रखा था वो भी डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आप चाहें तो खशखश का पेस्ट प्याज की निस्बत कम भी ले सकते हैं। अब इसी वक्त इसके अंदर मैं तमाम हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई मिर्च की जगह काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर लाल मिर्च की जगह, तो ये बिल्कुल वाइट बनेगी। ये हमने मिक्स कर लिया, पानी इसके अंदर थोड़ा सा है, अब हम इसे ढकेंगे और धीमी आंच के ऊपर हम इसे 5-7 मिनट पकाएंगे ताकि खशखाश का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन ये बहुत जल्दी चिपक जाती है इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। 2 मिनट इसे पका के मैं मिक्स कर रही हूँ और देखिए ये फौरन लगने लगती है, इसलिए इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है ताकि खशखश का जो कच्चा मज़ा है बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। इतनी देर के अंदर हमारी प्याज जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। इसे कवर लगाते हैं, 1-1, 2-2 मिनट में इसे मिक्स करते रहेंगे और तकरीबन इसे 10 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट इसे मैंने दरमियानी आंच के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पका लिया है, बार बार इसको मैंने चमचा चलाया है हर 1-1.5 मिनट में, तो ये बिल्कुल भी इसके अंदर लगी नहीं है, ऑयल सेपरेट हो गया है, जो पानी हमने डाला था वो खुश्क हो गया है। नमक वगैरह आप इस वक्त चख सकते हैं और चखने के बाद आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे,
अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ ताकि हरे धनिए का कलर ज़्यादा ख़राब ना हो। और बस ये रेडी है, हम इसे सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सकें। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे चेक कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।